एशिया महाद्वीप में पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में मिस्र की सभ्यता से रूबरू होने की अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र के अलंकार म्यूजियम में आगामी 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस अनूठी प्रदर्शनी का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला और विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर कहा कि मिस्र की बेजोड़ कला एवं संस्कृति से जयपुर वासियों को अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। प्रदर्शनी में मिस्र की तूतन खामन की कब्र व अन्य वस्तुओं को दर्शाया गया है। इसको मिस्र के कलाकार डॉक्टर मुस्तफा अल जैबी ने तैयार किया है। जवाहर कला केंद्र जो है कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और इस बार जवाहर कला केंद्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशन हमारी अलंकार गैलरी में रखी गई है, जिसमें मिस्र के जो शासक हुए हैं तूतन खामुन, उनके मकबरे से जो ममी निकली और उनके मकबरे से कई वस्तुएं निकली जो विशेष महत्व रखती हैं सभ्यता और संस्कृति में, उनकी संस्कृति में, तो उनकी संस्कृति से परिचय होने का ये बहुत अच्छा मौका है जयपुर वासियों के लिए। और इसी उद्देश्य से रखी गई है कि मिस्र की जो संस्कृति है उससे रूबरू होने का मौका हमारे जयपुर वासियों को मिलेगा। 7 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी का आयोजन हमने रखा है।